गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे जिसका कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट हो उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसका कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो जनरल सेंस में जो कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और जो कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा जाएगा वो कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। तो हमारा कैटायन ये है और हमारा एनायन ये है। अब इसके आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो कैसे की जाएगी? तो आईयूपीएसी नेमिंग का जो रूल होता है वो रूल कहता है कि कैटायन को आपको पहले लिखना है और एनायन को बाद में लिखना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे और फिर इसके बाद हम एनायन लिखेंगे। तो कैटायन को हम कैसे लिखेंगे और एनायन को हमें कैसे लिखना है? तो जब हम कैटायन लिखते हैं तो अगर आपको याद हो जो हमने पहले वीडियो बनाए हैं तो सबसे पहले जो है वो लीगेंड लिखा जाता है, फिर इसके बाद जो है वो सेंट्रल मेटल एटम आएगा, फिर इसके बाद जो है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये रोमन न्यूमरल्स में लिखी जाती है और पेरेंथेसिस में क्लोज करके लिखी जाती है। जो हमारा एनायन है इसकी नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ये भी स्टार्टिंग तो लीगेंड से ही होगी। लीगेंड लिखने के बाद फिर हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम में जो सफिक्स है वो एट लगा के लिखना है, याद रखना। और फिर इसके बाद जो है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा, रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाएगा और पेरेंथेसिस में इनक्लोज्ड करके लिखा जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है आपको ये फॉलो करना है। तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो लिगेंड है कैटायन का वो है अमाइन, तो हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन। तो हेक्सा अमाइन में डबल एम आता है, याद रखना। आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये भी आईयूपीएसी का एक रूल है। फिर इसके बाद लिखा जाएगा क्रोमियम, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, आपको एक जनरल आइडिया देते हैं हम कि अगर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 होगी, और कोबाल्ट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी 3 होगी। तो ये तो जनरल आइडिया है, लेकिन हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करेंगे कि क्या वाकई में 3 है कि नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बाद में लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा कैटायन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एनायन लिखेंगे। तो लिगेंड इसका क्या है? हेक्सा साइनाइडो, तो ये आएगा हेक्सा साइनाइडो कोबाल्ट और एट सफिक्स लगाना है तो हमने लिखा कोबाल्ट एट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिखनी है। यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 होगी, क्यों? क्योंकि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये जनरल आइडिया है, लेकिन हम ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो डिटरमाइन करेंगे। अगर आप देखते हो कि ये कैटायन है और ये एनायन है तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में CrNH3O6, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस CO(CN)6, इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पे हम नेगेटिव
सॉरी इस पे पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं और इस पे नेगेटिव जो चार्ज है वो वाई मान लेते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है अगर हमको ये पता चल जाए तो इस मेटल का हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो CO CN होल 6 और माइनस वाई जो है इस पे चार्ज है। तो हमें पता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का जो है वो प्लस 3 है प्लस साइनाइड का जो है वो माइनस 1 है इनटू 6 और ये जो इक्वल में होगा ये वाई आएगा चार्ज ऑन आयन। तो ये आपका माइनस 3 आया तो वाई पे जो है कितना चार्ज है ये माइनस 3 का चार्ज है। अब यहां पे तो जो चार्ज जो है वो है इस कॉम्प्लेक्स पे माइनस 3 का चार्ज है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल ये तभी होगा जब ये एक्स जो है आपका प्लस 3 में होगा। तो ये प्लस 3 में होगा क्योंकि तभी ये न्यूट्रल होगा। तो ये चार्ज प्लस 3 में होगा। तो अब हम जो है वो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो Cr NH3 होल 6 ये प्लस 3 तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है प्लस सॉरी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालना है तो एक्स है ये 0 इंटू 6 अमाइन जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है इक्वल टू प्लस 3 तो एक्स इक्वल टू जो है आपका प्लस 3 आया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 है तो हम रोमन न्यूमरल्स में 3 लिखेंगे और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है तो ये भी रोमन न्यूमरल्स में 3 लिखा जाएगा। तो ये जो है हमारा इस कंपाउंड के IUPAC नेमिंग। फिर हमारे पास ये थर्ड कंपाउंड है PtNH3 होल 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज PtCl4 ब्रैकेट क्लोज। ये कैटायन है ये एनायन है तो IUPAC नेमिंग जो है वो कैटायन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे क्योंकि यहां पे दो लिगेंड हैं तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हमने लिखा टेट्रा अमाइन, अमाइन का ए पहले आता है क्लोराइडो का सी बाद में आता है इसलिए हम अमाइन से स्टार्ट करेंगे। टेट्रा अमाइन और अमाइन में जो डबल एम आता है याद रखना डाइक्लोराइडो फिर प्लेटिनम 4। तो यहां प्लेटिनम जो है फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर प्लेटिनम से 6 लिगेंड अटैच्ड हैं तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होता है और अगर प्लेटिनम से 4 लिगेंड अटैच्ड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होता है। तो ये जनरल सेंस है। तो हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे कि आज वाकई में ये सही है कि नहीं है। फिर ये कैटायन हो गया तो एनायन स्टार्ट करेंगे टेट्रा क्लोराइडो और ये प्लेटिनम में 8 लगाएंगे तो प्लेटिनेट बनेगा और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेकेंड है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है तो ये कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा तो एक्वस सॉल्यूशन में ये जो है PtNH3 होल 4 Cl2 इस कॉम्प्लेक्स पे अगर हम प्लस एक्स चार्ज माने तो PtCl होल 4 इस पे हम माइनस वाई का चार्ज। तो अगर हम ये मानते हैं कि इस पे 2 चार्ज है तो क्लोरीन पे जो माइनस 1 होता है टोटल 4 क्लोरीन है तो ये कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा तो इस कॉम्प्लेक्स पे जो आपका चार्ज आएगा वो आएगा माइनस 2 का। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है इस पे चार्ज माइनस 2 है तो इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस 2 का चार्ज होना ही चाहिए तभी ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल बनेगा नहीं तो नहीं बने। तो प्लस 2 चार्ज ये होगा ही होगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है प्लस 2 चार्ज है तो ये प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी तो हम इसकी एक्स मानेंगे प्लस अमोनिया 0 में होता है इंटू 4 प्लस क्लोरीन माइनस 1 में होता है इंटू 2 इक्वल टू प्लस 2। तो एक्स
माइनस टू इक्वल टू प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू जो क्या माइनस टू उस तरफ जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा। तो यहां पे प्लैटिनम जो है प्लस फोर में है, तुमने फोर लिखा। तो कॉम्प्लेक्स एनायन में कुछ एलिमेंट के लैटिन नेम जो है वो यूज किए जाते हैं, उनके लैटिन नेम लिखे जाते हैं। तो कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो क्यूप्रम होता है, आयरन जो है वो फेरम होता है। तो कॉपर जो है आपका हाइड्राजाइरम होगा, सिल्वर जो है अर्जेंटम होगा, लेड जो है प्लम्बम होगा, टिन जो है वो स्टेनम होगा। तो कॉम्प्लेक्स एनायन में इसको क्या करते हैं, सफिक्स एट लगा के लिखा जाता है। तो ये क्या बनेगा, ये क्यूप्रेट बनेगा, ये फेरेट बनेगा, ये ऑरेट बनेगा, ये हाइड्राजिनेट बनेगा, ये अर्जेंटेट बनेगा, ये प्लम्बेट बनेगा और ये स्टेनेट बनेगा। जनरल सेंस में हम कह सकते हैं कि अगर सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर टू है तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस वन होगी। अगर मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री या फोर है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू रहेगा। अगर कॉपर, जिंक, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, मैंगनीज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस टू है सभी पे। और निकल जीरो अगर है तो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है। आयरन अगर जीरो में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव होगा। आयरन अगर प्लस टू प्लस थ्री में है, क्रोमियम प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस थ्री और क्रोमियम जीरो में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रहेगा। मॉलिब्डेनम प्लस फोर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेवन होता है एंड टंगस्टन प्लस फोर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एट होता है। तो किसी भी मेटल जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन हो वो एट ही होता है और वो टंगस्टन के लिए होता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टंगस्टन जो है सी एन होल एट, ये माइनस फोर इस कॉम्प्लेक्स में, इस आयनिक कॉम्प्लेक्स में टंगस्टन प्लस फोर स्टेट में है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।